अगर मैं आप सभी लोगों से पूछूं कि इंडिया के अंदर ऐसे कौन से गेम्स हैं जो धीरे धीरे काफी ज्यादा पॉपुलरिटी गेन कर रहे हैं तो आप लोग बोलोगे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया एंड फ्री फायर बट मेरे भाइयों ऐसा कुछ भी नहीं है इंडिया के अंदर कुछ ऐसे गेम आ चुके हैं कुछ ऐसे गेम्स ने एंट्री मार दी है इंडिया के अंदर जो धीरे धीरे काफी ज्यादा पॉपुलरिटी गेन कर रहे हैं तो मेरे भाइयों आज वाली इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा टेन मोस्ट पॉपुलर गेम्स के बारे में जो इंडिया के अंदर धीरे धीरे काफी ज्यादा पॉपुलरिटी गेन कर रहे हैं तो मेक श्योर sure वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा एंड अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो पे लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो so पोजीशन पर मैंने जिस गेम को रखा है उस गेम का नेम है फॉर जोन मोबाइल इस गेम को टेंथ पोजीशन पर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यह गेम अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है फिर भी इस गेम ने काफी ज्यादा पॉपुलरिटी गेन कर ली है इंडिया के अंदर और लोग काफी ज्यादा हाइप्ड हैं इस गेम को लेकर एंड काफी ज्यादा लोग इस गेम के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हैं क्योंकि इस गेम ने लॉन्च होने से पहले ही गेमर्स के दिलों के अंदर अपनी जगह बना ली है और आपको बता दूं ये गेम इस ईयर यानी कि 2022 के एंड में रिलीज होगा ग्लोबली एंड साथ ही साथ में इस गेम का साइज जो है वो 4 से 5 जीबी तक का होने वाला येस आई एम नॉट जोकिंग फोर से फाइव जीबी तक का इस गेम का साइज होने वाला है नाइन्थ पोजीशन पर मैंने जिस गेम को रखा है उस गेम का नाम है वेलोरेंट मोबाइल ये गेम ऑलरेडी पीसी गेमर्स के बीच में काफी ज़्यादा फेमस है बट अब ये गेम मोबाइल्स के लिए भी लॉन्च किया जा रहा है और इस साल यानी कि 2022 यानी 2022 के एंड में ये गेम रिलीज हो जाएगा ग्लोबली एंड इस गेम का साइज लगभग दो से तीन जी होने वाला है जी हाँ टू से थ्री जी का साइज इस गेम का होने वाला है और ये गेम गाइस अभी डेवलपमेंट में है लास्ट स्टेज चल रही है इसकी डेवलपमेंट की और इस गेम का जो ओपन बीटा है हम सभी को अक्टूबर से पहले देखने को मिल जाएगा एट्थ पोजिशन पे मैंने जिस गेम को रखा है उस गेम का नेम है रोक कंपनी ये गेम काफी जल्दी इंडिया में पॉपुलरिटी गेन करता जा रहा है जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो और अब तो इस गेम का मोबाइल वर्जन भी काफी जल्दी लॉन्च होने वाला है बट नॉट इन 2022 यानी कि इस ईयर लॉन्च नहीं होगा 2023 के स्टार्टिंग में हम सभी को रोक कंपनी मोबाइल वर्जन देखने को जाएगा और इस गेम का साइज का मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता हूं हाँ, अभी आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने गेम प्ले देख सकते हो कुछ इसी तरह का रो कंपनी मोबाइल होने वाला है तो गाइस आप लोग एक्साइटेड हो इस गेम के लिए या फिर नहीं मुझे बताना और ये गेम भाई साहब काफी जल्दी अपनी पॉपुलरिटी बढ़ाता जा रहा है पोजीशन पे मैंने जिस गेम को रखा है उस गेम का नेम है असाशन क्रिएट मोबाइल आपको बता दूं असाशन ऑफिशियली मोबाइल के लिए आने वाला है असासन क्रिएट ये हा असन क्रिएट ओरिजिनल वाला मोबाइल के लिए आ रहा है और ये एक ट्रिपल ए टाइटल है ट्रिपल ए गेम है यानी कि ओपन वर्ल्ड गेम है लाइक जी टी ए आपको बता ओरिजिनल असासिन क्रिएट आ रहा है कोई उसका मोड या कोई लाइट या कुछ भी उसके जैसा नहीं आ रहा है बल्कि वही असासिन्स जो आप लोगों ने कंसोल में खेले हैं वही असासिन क्रीड अब हम लोगों को मोबाइल में देखने को मिलने वाला है अगर सीधे शब्दों में कहूं तो असाशंस क्रिएट का मोबाइल वर्जन आ रहा है और आपको बता दू ये गेम धीरे धीरे पॉपुलरिटी गेन कर रहा है क्योंकि अभी तक इस गेम की कुछ भी खबर नहीं थी बट अब कुछ बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स ने इसकी हिंट देना स्टार्ट कर दिया लोगों को और लोग इस गेम का अभी से वेट करने लगे हैं मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स भाई भी मुझसे पूछ रहे थे कि भाई असास मोबाइल सच में आ रहा है तो आपको बता दू असा क्रिएट मोबाइल सच में आ रहा है है और ये गेम अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है फिर भी इस गेम ने काफी पॉपुलरिटी गेन कर ली है सिक्स पोजिशन पे मैंने जिस गेम को रखा है वो मेरा पर्सनल फेवरेट गेम है एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल और इस गेम का सॉफ्ट लॉन्च 8 मार्च को रिलीज कर दिया गया था फॉर टेन सिलेक्टेड कंट्रीज के लिए अभी इंडिया के लिए नहीं आया है बट अगर आप लोग सॉफ्ट लॉन्च खेलना चाहते हो तो आप लोग वीपीएन की मदद से खेल सकते हो अब काफी लोग बोलेंगे भाई इस गेम से कनेक्टेड है तो क्या ये गेम इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं होगा मेरे भाइयों ऐसा कुछ भी नहीं है टेंस कनेक्टेड है मैं मानता हूं बट ये गेम इंडिया में हंड्रेड एंड वन परसेंट लॉन्च होने वाला है और आपको बता दू जब ग्लोबली लॉन्च होगा तब हमारे इंडिया के अंदर भी लॉन्च हो जाएगा ग्लोबली ये गेम मे मंथ में लॉन्च होने वाला है यानी कि ये समझ लो एक महीने बाद ये गेम इंडिया प्लस

पोजीशन पे मैंने जिस गेम को रखा है वो इंडिया में इस वक्त काफी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है और इस गेम का नाम है ये गेम 2021 के अक्टूबर मंथ में लॉन्च किया गया था और इस गेम को लगभग पांच से छह महीने ही हुए हैं और ये गेम काफी ज्यादा पॉपुलरिटी गेन कर रहा है इंडिया में काफी बीजेम प्लेयर्स इसमें शिफ्ट कर चुके हैं इस गेम पर शिफ्ट कर चुकी है और भाई ये गेम काफी ज्यादा काफी ज्यादा पॉपुलरिटी गेन कर रहा है इस गेम का नाम है पॉकी मोर्न यूनाइट और इस गेम का साइज 600 से 700 सौ एम के आसपास है और ये गेम आप लोग अभी जाकर खेल सकते हो आईओएस पे भी डाउनलोड कर सकते हो एंड And अपने एंड्रॉयड पे भी डाउनलोड कर सकते हो इजिली एंड बिलीव मी गाइस ये मेरा सेकेंड फेवरेट गेम है अगर आप लोगों ने एक बार इस गेम को खेल लिया तो आप लोग सब कुछ भूल जाओगे क्योंकि ये गेम में काफी ज्यादा काफी ज्यादा दम है अगर आप लोगों ने खेला है तो मुझे आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए नीचे कमेंट बॉक्स में और ये गेम गाइस, धीरे धीरे काफी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है फोर्थ पे मैंने जिस गेम को रखा है उस गेम का नेम है ग्रेनी ये एक गेम नहीं है ये एक मास्टरपीस है अगर आप लोग यूट्यूब पर जाओगे तो इस गेम के गेम प्ले सीरीज पर काफी सारे यूट्यूबर्स के मिलियंस में व्यूज हैं और ये इस गेम को इंडिया के अंदर काफी ज्यादा प्ले किया जाता है और गाइस इंडिया के अंदर इस गेम के काफी ज्यादा गेम प्लेर्स देखे जाते हैं पिछले दो साल से ये गेम इंडिया के अंदर फेमस है और धीरे धीरे और भी फेमस होता जा रहा है तो आप लोग मुझे अभी कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ग्रेनी गेम कैसा लगता है जल्दी जाओ और कमेंट में बताओ ये गेम काफी ज्यादा इंडिया के अंदर पॉपुलर था और अभी भी पॉपुलर ही है थर्ड पोजिशन पे मैंने जिस गेम को रखा है इस गेम को कौन नहीं जानता इस गेम के लिए लोग पागल हो गए थे किसी टाइम पर जब ये गेम इंडिया से बैन हुआ था इस गेम का नेम है पबजी मोबाइल यानी कि BGMI यानी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया और इस गेम की पॉपुलरिटी अभी तक कम नहीं हुई है और यह गेम इंडिया के अंदर पिछले चार साल से राज कर रहा है क्या लगता है आप लोगों को इस गेम की पॉपुलैरिटी आगे जाकर कम होगी या फिर अभी जितनी है उतनी ही रहने वाली है मुझे बताना जरूर कमेंट बॉक्स में सेकंड पोजिशन पे मैंने जिस गेम को रखा है उस गेम का नेम है माइनक्राफ्ट इस गेम के लिए मेरे पास एक भी वर्ड नहीं है क्योंकि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इसमें आप खुद का स्कूल बना सकते हो खुद का एक वर्ल्ड बना सकते हो क्या नहीं कर सकते हो ये समझ लो ये गेम सेकंड अर्थ है जी हां सेकंड अर्थ अभी हम लोग जिस अर्थ में रह रहे हैं उस अर्थ को मान लो फर्स्ट अर्थ और माइनक्राफ्ट हमारी सेकंड अर्थ है हम इसमें जो चाहे वो कर सकते हैं जो बनाना चाहे वो बना सकते हैं आप लोग एक खुद का वर्ल्ड बना सकते हो और उस वर्ल्ड पर एक राजा की तरह राज कर सकते हो भाई साहब मैं इस गेम के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगा यह गेम पहले भी फेमस था और अभी भी फेमस है पिछले तीन सालों में इस गेम ने जो नाम कमाया है इंडिया के अंदर वो शायद किसी और गेम ने इंडिया के अंदर नहीं कमाया होगा ये पहले भी पॉपुलर था और अभी भी है और आगे यानी कि फ्यूचर में भी मेरे ख्याल से यह पॉपुलर रहेगा फर्स्ट पोजिशन पे मैंने जिस गेम को रखा है मेरे भाई उस गेम का गेम प्ले देखने के लिए लोग तरसते हैं लोग पागल हैं उस गेम का नेम है GTA टी ए फाइव ग्रैंड थीफ ऑटो और ये गेम पिछले कुछ सालों से ही नहीं बल्कि पांच सालों से इंडिया के अंदर फेमस है इस गेम का लोग वेट कर रहे हैं बेसब्री से काफी सालों से कि ये गेम मोबाइल के लिए आए तो आपको बता दूं मेरे भाई रॉक की जो पेरेंट कंपनी है टेक टू वो अभी वर्क कर रही है मोबाइल गेमर्स के लिए तो ये समझ लो जी डी एफ की तरह एक ट्रिपल ए गेम हम सभी के मोबाइल फोन्स के लिए आने वाला है बट ये आई थिंक 2024 के पहले नहीं आएगा तो गाइस ये ऐसा गेम है जो पहले भी इंडिया में फेमस था और अभी भी इंडिया में फेमस है और गाइस इसको बीट करने वाला गेम पैदा नहीं हुआ है और इस गेम को मुझे नहीं लगता आने वाले दस साल तक कोई गेम रिप्लेस या फिर बीट कर पाएगा आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा बस आज वाली वीडियो में तो नहीं था लाइक कर दीजिएगा एंड इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा मैं मिलूंगा आप सभी से एक और अच्छी और फ्रेश वीडियो में तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय जै भारत दिस इज मी आपका भाई साइनिंग ऑफ Love you gamers, bye bye, check here, peace out.